हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मैं हूं नबीले। आज हम लोग एक पीसी बिल्ड करने वाले हैं और ये पीसी जो बिल्ड कर रहे हैं हम, इसका मेन फोकस रहेगा वीडियो एडिटिंग पे और गेमिंग भी साथ साथ जो है इस पे होनी चाहिए। अब मैं जो है कंटेंट क्रिएटर हूँ, पहले से मैं खुद के वीडियोस खुद ही एडिट करता था। अभी हमारे पास एडिटर्स है, लेकिन आज भी मुझे जो है बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है वीडियो एडिटिंग के ऊपर। मैं कभी भी नहीं चाहता कि वीडियो एडिटिंग का जो प्रोसेस है, उसका जो रेंडरिंग प्रोसेस है, उसका टाइम जो है बहुत ज्यादा लग जाए हमारे पीसी पे, हमारे लैपटॉप के ऊपर। और ये चीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप भी एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आप ये चीज समझते हो कि कितना फ्रस्ट्रेटिंग रहता है जब हम फाइल ट्रांसफर करते हैं अपने पीसी में या अपने लैपटॉप में, और वो बहुत टाइम लगाता है ट्रांसफर होने के लिए, फिर उसके बाद रीड होने के लिए टाइम लगाता है, उसके बाद जो है एडिटिंग में स्लगिशनेस, लैग वगैरह आपको महसूस होता है और रेंडरिंग टाइम भी ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। और क्लाइंट का काम है, ब्रांड का काम है, और डेडलाइन आप मीट नहीं कर पाए तो वो काम आपके हाथ से जा भी सकता है। तो पीसी का स्मूथ ऑपरेशन होने के लिए और प्रेशियस टाइम आपका जो है वो वेस्ट ना हो, इसलिए मेरे पास आज जो है काफी थ्रिलिंग सजेशंस है आप लोगों के लिए। और ये चीज आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो वीडियो एडिटिंग का एक्सपीरियंस है वो एनहांस नहीं वाला है। सबसे पहले बात करते हैं गाइस सीपीयू के बारे में। सीपीयू आपके कंप्यूटर का ब्रेन होता है, सबसे एसेंशियल पार्ट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसमें आपके सारे प्रोग्राम्स रन होते हैं, इंक्लूडिंग आपका फाइनल कट प्रो हो गया, एडोबी प्रीमियर प्रो हो गया, या फिर सोनी वेगस, जो भी आप यूज करते हैं सब इसी के थ्रू रन करते हैं। सीपीयू जो है वेरियस टाइप्स के आते हैं और इंटेल इसमें ऑफर करता है i3, i5, i7, i9 की सीरीज, आप जानते ही होंगे इस तो। और ये डिस्टिंग्विश किए जाते हैं अपनी क्लॉक स्पीड, कोर काउंट और थ्रेड नंबर से। हर सीपीयू का कोर प्रोसेसिंग पावर में कंट्रीब्यूट करता है टू डू टास्क सच एज वीडियो एनकोडिंग, रेंडरिंग एंड एक्सपोर्टिंग। अगर सिंपल भाषा में आपको समझाओ तो जितने ज्यादा कोर्स होंगे उतनी फास्ट वीडियो एडिटिंग होगी और ग्रेट एफिशिएंसी भी आपको मिलेगी, स्पेशली एट हायर रेजोल्यूशंस। और एक डिसेंट पीसी जो होता है जो वीडियो एडिटिंग और रेंडरिंग कर सके, उसके लिए मिनिमम आपको कोर i5 प्रोसेसर विद 4 कोर्स के लिए जाना चाहिए। और आज जो हम लोग पीसी बिल्ड करने वाले हैं, इसके लिए हमने चूज किया है इंटेल का कोर i7 12700K प्रोसेसर। ये हमारा क्रूशियल कंपोनेंट रहेगा जो इंपैक्ट करेगा परफॉर्मेंस को। और इसमें जो K है, इसकी वजह से आप जो है विदाउट ग्राफिक्स कार्ड भी इसको रन कर सकते हैं और ये ग्राफिक्स कार्ड वाला काम भी आपका कर सकता है, लेकिन हमें ग्राफिक्स कार्ड यूज भी करेंगे यहाँ पे। और इस प्रोसेसर का प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 34,000 रुपीज। अब अगला एस्पेक्ट जो पीसी बिल्ड कर रहे थे दोस्तों, वो है सही मदरबोर्ड को चुनना। ये प्रोफाउंडली इफेक्ट कर सकता है आपके सिस्टम कैपेबिलिटीज को। तो हमने यहाँ पे चूज किया है ASUS का मदरबोर्ड, जो कि है ASUS टफ गेमिंग Z790 प्लस Wi-Fi D4 मदरबोर्ड। ये एक अफोर्डेबल बट हाई परफॉर्मेंस मदरबोर्ड है और ये कंपेटेबल है विद 12, 13 एंड 14 जनरेशन इंटेल कोर प्रोसेसर। ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट, कौन सा प्रोसेसर आप इस्तेमाल करें उसके हिसाब से आपको मदरबोर्ड चूज करना होता है। हमारा 12 जनरेशन का प्रोसेसर है तो ये मदरबोर्ड उसके लिए परफेक्ट है। इस मदरबोर्ड में आपको मिलिट्री ग्रेड कंपोनेंट्स मिलते हैं, अपग्रेडेड पावर सॉल्यूशन और एक्सटेंसिव कूलिंग सिस्टम भी मिलता है, और ये चीज इंश्योर करती है रिलायबल परफॉर्मेंस। इसमें DDR4 रैम सपोर्टेड है, PCIe 5.0 क्यू रिलीज फॉर ग्राफिक्स कार्ड, Wi-Fi 6 भी है और 2.5 GHz का इथरनेट है फॉर सीमलेस कनेक्टिविटी। और ये मदरबोर्ड जो है गाइस, ये आपको 32,000 रुपीज के आसपास देखने मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों मेमोरी अपग्रेड करने की, यानी कि रैम की। तो यहाँ पे जब बात आती है वीडियो एडिटिंग की, तो यहाँ पे रैम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टम मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको 1080p वीडियो रेजोल्यूशन जो है वो एडिट और रेंडर करना है तो आपको मिनिमम 16GB ऑफ रैम लगेगा, लेकिन क्योंकि मैं 4K वीडियो एडिटिंग करता हूँ तो यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट है मिनिमम ऑफ 32GB ऑफ रैम। स्पीड और कैपेसिटी जो रैम की होती है उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है वीडियो प्रोसेसिंग और रेंडरिंग पे, और स्पेशली तब जब हम मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ वीडियो को साइमल्टेनियसली एडिट करते हैं। इसलिए हमने स्पेशली चूज किया यहाँ पे किंगस्टन फ्यूरी 20 DDR4 मेमोरी और स्पेसिफिकली KF432C16BBK2x64। ये एक ऐसा किट है जिसके अंदर आपको 2 32GB DDR4 रैम्स मिलते हैं अलोंग विद CL16 2R/8 डुअल रैंक कैपेबिलिटीज। डुअल रैंक मेमोरीज बेटर परफॉर्म करती है ड्यू टू इंक्रीज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। DRAM मॉड्यूल सपोर्ट करता है इंटेल एक्सट्रीम प्रोफाइल इंटेल XMP 2.0 फॉर एनहांस परफॉर्मेंस अप टू 3200 मेगा ट्रांसफर पर सेकेंड। और डुअल चैनल मदरबोर्ड्स के लिए ये DRAM किट जो है बहुत बेनिफिशियल रहता है, जिससे आपको स्मूथ परफॉर्मेंस मिलता है और रिड्यूस वेटिंग टाइम भी। इवन विद DDR4 ये जो सेटअप है ये सफिशिएंट है फॉर वीडियो एडिटिंग। और किंगस्टन जो है ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड मेमोरी कंपनी है विद स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल रेपुटेशन, जिससे हमको इनकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस पे ट्रस्ट आता है, मेकिंग इट अ डिपेंडेबल चॉइस फॉर DRAM। और किंगस्टन फ्यूरी 20 जो है एक नए लुक के साथ आता है, बोल्ड स्लीक लुकिंग ब्लैक हीट सिंक्स आपको इसमें मिलते हैं और ये डबल ड्यूटी करते हैं बाय एनहांसिंग द लुक ऑफ योर बिल्ड एंड बाय मैनेजिंग हीट टू एंश्योर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस जब आप वीडियो एडिटिंग के वर्क में एकदम गड़े हुए हो या फिर गेमिंग कर रहे हो। और अगर किंगस्टन ब्रांड के बारे में बताओ तो ये एक बहुत ही फेमस मेमोरी कंपनी है विद अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री इन द इंडस्ट्री। मैं इनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता हूं। और DRAM जो होता है आपके पीसी का एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट होता है और इसमें उस ब्रांड का जाना जिसपे आप ट्रस्ट करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतना ही नहीं, किंगस्टन की मेमोरी पे आपको लाइफ टाइम वारंटी मिलती है, इट इज सुपर जेनरस। और किंगस्टन फ्यूरी 20 DDR4 मेमोरी का प्राइस
प्राइस है अराउंड 13,750। सब कुछ तो अपग्रेड कर लिया, स्टोरेज अपग्रेड करना ही बहुत जरूरी है। और कंटेंट क्रिएटर्स है आप, वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं, तो प्लीज हार्ड डिस्क के लिए मत जाना, SSDs के लिए जाना। ये सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, ये मच फास्टर रीड और राइट स्पीड कराती है, और ये आपके पीसी के परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर सकती है। और हमारे सिस्टम में हमने पेयर किया है किंगस्टन केसी 3000 NVMe जेन 4 M2 1 TB SSD को। ये रिमार्केबल परफॉर्मेंस और इंप्रूवमेंट्स देगा हमको, और एम्पल एंड्योरेंस भी देगा फॉर कॉन्फिडेंट स्टोरेज ऑफ आर वर्क। भाई ये जो फुटेज होती है हमारी, ये बहुत ज्यादा प्रेशियस होती है, ये SSD के प्राइस से भी इसकी जो कीमत है बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे रिलायबल SSD इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और ये SSD जो है वेरियस कैपेसिटी की रेंज में आती है, 512 GB से लेके 4 TB तक की कैपेसिटी देखने मिल जाएगी इसमें, और ये आती है 5 ईयर्स की वारंटी और टेक्निकल सपोर्ट के साथ, और प्राइस इसका सिर्फ है 6980 के आसपास। बहुत सारी अलग अलग SSD आती है, तो मेक श्योर कि आप जो SSD चूज कर रहे हो वो आपके सिस्टम के साथ कंपैटिबल है। और जब आप एक हार्ड डिस्क से SSD पे ट्रांजिशन करते हो तो आपका जो डेटा ट्रांसफर है वो सीमलेस होता है, और वहां पे कोई भी डेटा लॉस होने का चांस भी नहीं होता। और अगर आप एक वैल्यू यूजर हो तो किंगस्टन की NV2 NVMe SSD के लिए आप जा सकते हो। किंगस्टन की KC 3000 SSD जो है वो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए अच्छी है। और अगर आप एक गेमर हो और हैवी गेम्स खेलते हो तो फिर आप किंगस्टन फ्यूरी रेनेगेड SSD के लिए जा सकते हो, जो एक हीट सिंक के साथ आती है। अब यहाँ पे दो चीज बच जाती है दोस्तों, एक है ग्राफिक्स कार्ड जो मेरे पास ऑलरेडी था, तो मैं वही इस्तेमाल करने वाला हूँ, ये काफी एक्सपेंसिव होता है, तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करें NVIDIA RTX 3070। और फिर हमारा आ जाता है PC कैबिनेट जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स प्रॉपरली आ जाने चाहिए। और यहाँ पे हम एक लिक्विड कूलर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन लिक्विड कूलर आपके लिए जरूरी नहीं, आप एयर कूलर के लिए भी जा सकते हैं। तो ये ROG Ryugen 2 360 लिक्विड कूलर है, बट एयर कूलर के लिए जाएंगे तो थोड़ा आपको सस्ता पड़ेगा। और अगर कैबिनेट की बात करें तो यहाँ पे मैं 1 GB का कैबिनेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि ऑलरेडी मेरे पास था, और इसके अंदर मेरे सारे कंपोनेंट्स प्रॉपर्ली फिट हो जाते हैं। अभी फटाफट से हम PC को अपने असेंबल करना शुरू कर देते हैं। तो मदरबोर्ड के ऊपर सबसे पहले हम अपना प्रोसेसर लगा देते हैं, उसके बाद हम इस पे अपनी SSD इंस्टॉल कर देते हैं। SSD इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे जो रैम स्लॉट्स है उसके अंदर अपनी रैम स्टिक्स को इंस्टॉल करना है। लिक्विड कूलर एयर कूलर जो भी आप यूज करें वो भी आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। मैं यहाँ पे लिक्विड कूलर इस्तेमाल करूँ जैसे मैंने आपको पहले बताया। ये सारा कुछ अपने कैबिनेट के अंदर लगाने के बाद हम यहाँ पे अपना ग्राफिक्स कार्ड भी इंस्टॉल कर देंगे इसमें, और जो हमारा पावर सप्लाई यूनिट है उससे सारी चीजों को हमने कनेक्ट कर दिया, और फाइनली हमारा यहाँ पे PC की असेंबली हो चुकी है फिनिश। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लुक देख लीजिए, काफी कमाल का लुक आ रहा है हमारे PC का। यहाँ पे देख सकते हैं आप, RGB लाइट्स मिल जाती है हमको यहाँ पे फैंस के लिए, जो कि इस कैबिनेट में 4 फैंस आते हैं, और क्योंकि हमारा यहाँ पे रैम भी RGB वाला है तो ये काफी अमेजिंग लुक देता है। व्हाइट और ब्लैक जो भी कलर कैबिनेट आपको पसंद है उसके लिए आप जा सकते हो। और जो लिक्विड कूलर है इसके अंदर भी जो डिस्प्ले है ये भी काफी जो है खूबसूरत लग रहा है। अब खूबसूरती की बात साइड में रखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कुछ मैं आपको बेंचमार्क दिखा देता हूँ जो मैंने निकाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों SSD की स्पीड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें साफ तौर पे आपको नजर आ रहा है कि रीड और राइट स्पीड SSD की सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गई है ये नए SSD के साथ। और यहाँ पे रीड स्पीड जो है ये 7000 MBPS से ज्यादा, और राइट स्पीड जो है 6000 MBPS प्लस मुझे यहाँ पे देख रही है। यही काफी बड़ा अपग्रेड हो गया मेरे सिस्टम के लिए। सिनेबेंच के स्कोर्स देख सकते हैं आप, सिंगल कोर का स्कोर जो है 106 पॉइंट्स के आसपास है, मल्टी कोर का स्कोर है 764 पॉइंट्स के आसपास, एंड GPU का जो स्कोर है वो 9973 आया है। फिर मैंने V-Ray का भी स्कोर निकाला, तो यहाँ पे V-Ray में आप परफॉर्मेंस स्कोर देख सकते हैं 12,643। उसके बाद V-Ray GPU का स्कोर है 1687 और V-Ray GPU RTX का स्कोर है 1581। Geekbench के स्कोर्स भी देख सकते हैं, सिंगल कोर का स्कोर है 2359 और मल्टी कोर का स्कोर आया है 7689 और GPU का ओपन स्किल स्कोर आया है 133528। तो बेंचमार्क्स तो अच्छे निकल के आए हैं। अब जो वीडियो एडिटिंग मैंने इसके ऊपर की प्रीमियर प्रो के ऊपर, तो सारी चीजें स्मूथली काम कर रही है, स्क्रबिंग वगैरह भी एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, लैग फ्री एक्सपीरियंस यहाँ पे मुझे देखने मिल रहा है। एक मल्टी लेयर फुटेज का मतलब मल्टी कैम फुटेज है और 2 लेयर्स है 4K 8-bit फुटेज के, यहाँ पे कोई भी दिक्कत मुझे तो नहीं आई इसमें वीडियो एडिट करने में। इनफैक्ट जो प्रोसेस है वीडियो एडिटिंग का वो ज्यादा सीमलेस और ज्यादा स्मूथ हो गया। वीडियो एडिटिंग का एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से परफॉर्मेंस अपग्रेड हुआ है। तो यहाँ पे हम इसका जो रेजोल्यूशन है प्लेबैक का इसको फुल कर देते हैं, और यहाँ पे जो ये मल्टी कैम मल्टी लेयर फुटेज है जब इसको प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्ले करने में कोई भी लैग महसूस नहीं होता, दोनों ही लेयर्स यहाँ पे इस क्लिप के एक्टिव है। तो यहाँ पे इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अच्छा यहाँ पे पावर हमारा इंक्रीज हो गया है प्रोसेसिंग का। और फुल रेजोल्यूशन पे प्लेबैक को रखते हुए अगर मुझे कलर एडजस्ट करना है और रियल टाइम में देखना है कि कलर का इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे क्लिप पे, यहाँ पे देखिए मैं एक्सपोजर कम करता हूँ, मुझे देखना है कि एक्जैक्टली कैसे दिख रहा है, तो रियल टाइम में सब कुछ यहाँ पे मुझे दिखा देगा। अगर मैं यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाता हूँ तब भी देख सकते हैं आप कॉन्ट्रास्ट में इमीडिएट चेंज देखने मुझे मिलता है। एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा देता हूँ, हाईलाइट्स के बाद मैं थोड़ा खेलता हूँ, इसको बढ़ाता हूँ, शेडोज भी अगर मैं यहाँ पे रिड्यूस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक्जैक्टली यहाँ पे क्या रिजल्ट है वो हमको रियल टाइम में देखने मिल रहा है। वीडियो रेंडरिंग के टाइम पे भी स्पीड जो है सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गई पहले के मुकाबले इस PC के
के ऊपर। और अगर हम गेमिंग की बात करें तो यहाँ पे GTA मैंने खेला इसके ऊपर एक्सटेंसिवली, काफी दिन मैंने इस्तेमाल किया इसको GTA खेलने में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, एकदम सुपर स्मूथ चल रहा है। और यहाँ पे जो GTA में रेजोल्यूशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है 4K रेजोल्यूशन। मेरा मॉनिटर 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला है तो 60fps ही मैं मैक्सिमम यहाँ पे खेल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट 60fps हमको देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे अमेजिंग क्वालिटी और अमेजिंग परफॉर्मेंस वाली गेमिंग भी ये PC डिलीवर कर सकता है अलॉन्ग विद गुड वीडियो एडिटिंग परफॉर्मेंस। अगर आप एक कॉन्टेंट क्रिएटर हो और इस तरीके का PC आपको बिल्ड करना है तो टोटल कॉस्ट अराउंड 1 लाख आपको पड़ सकता है, लेकिन आपके पास ऑलरेडी ऐसा कोई कॉम्पोनेंट है जिसको अपग्रेड की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे आप उसको स्किप भी कर सकते हो। जैसे पावर सप्लाई आपके पास ऑलरेडी होगा तो यहाँ पे 14,000 आपके बच जाएंगे। अब ये सारे कॉम्पोनेंट्स को मैंने अपग्रेड करके अपने PC के परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर दिया है, काफी जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है, मेरा जो वर्क फ्लो है, मेरी जो एफिशिएंसी है, जो प्रोडक्टिविटी है, सब बढ़ चुकी है इससे। लेकिन मैं आपको कुछ क्विक टिप्स देना चाहता हूं जिससे आप अपने PC का परफॉर्मेंस और इंप्रूव कर सकते हैं विदाउट इवन अपग्रेडिंग द हार्डवेयर। बेसिक से टिप्स है लेकिन आपके काफी काम आ जाएंगी। सबसे पहला काम आपको करना है आपके PC में से जो अननेसेसरी सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर रखे है उसको डिलीट कर देना है। बस इसको जो है ठीक से आप देख लीजिए एक बार और प्रॉपरली इसको अनइंस्टॉल आप कर दीजिए, इससे भी आपके PC का परफॉर्मेंस डेफिनेटली बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल कर रखते हैं और उसको इस्तेमाल नहीं करते जिसकी वजह से अननेसेसरी हमारे PC पे लोड पड़ते रहता है। स्टार्टअप के टाइम पे भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे प्रोग्राम जो है लॉन्च पे ही स्टार्ट हो जाते हैं खुद से, तो हम जब इनको इंस्टॉल करते हैं उस टाइम पे हमको पूछते हैं कि लॉन्च एट स्टार्टअप, तो ये हम करके रखते हैं, तो इसको भी हमको जो है डिसेबल करना है, क्योंकि जो प्रोग्राम उनको PC ऑन करते ही नहीं लगने वाले, अननेसेसरी उनको स्टार्ट क्यों करना, जब हमको जरूरत होगी तब उनको स्टार्ट कर लेंगे, तब उनको ओपन कर लेंगे। अगली चीज है दोस्तों, टू रेगुलरली चेक फॉर स्पाईवेयर एंड वायरसेस। अगर स्पाईवेयर आ गया, वायरस आ गया, तो आपकी मेहनत पानी में जा सकती है। PC के अंदर परफॉर्मेंस ड्रॉप तो होगा ही, लेकिन आपके फाइल्स भी डिलीट हो सकते हैं, करप्ट भी हो सकते हैं, तो इसको भी रेगुलरली स्कैन आप करते रहिए। टेम्पररी फाइल्स और प्रीफेच को भी आपको जो है डिलीट करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा लोड आपके सिस्टम के ऊपर डाल सकती है। आप बहुत सारे एप्लीकेशंस, फाइल्स, प्रोग्राम सब चीज डिलीट करते हो लेकिन इनके टेम्पररी फाइल्स जो है रह जाते हैं, तो इनको भी ढूंढ ढूंढ के आप लोग साफ कर लो। वन ड्राइव सिंकिंग को भी डिसेबल कर दो। मैं इसको हमेशा डिसेबल कर देता हूं, अनइंस्टॉल कर देता हूं जब भी मैं नया फ्रेश विंडोज जो है वो इंस्टॉल करता हूं। और डिस्क क्लीनअप और डीफ्रेगमेंटेशन को भी टाइम टू टाइम इस्तेमाल कीजिए, इससे भी आपको सिग्निफिकेंट बूस्ट देखने मिलेगा अपने PC के परफॉर्मेंस में। ये कुछ वैल्यूबल टिप्स एंड ट्रिक्स थे दोस्तों जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, जो कि आपके PC के परफॉर्मेंस को बूस्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है इस वीडियो के अंदर ये आपको हेल्पफुल लगेगी, काफी काम आएगी आपके। आपके कोई भी क्वेश्चंस है या सजेशंस है वो हमको कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए आप लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।